नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं सिंजेंटा के एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है कूकल। कूकल क्या है, कूकल के क्या क्या फ़ायदे हैं, कूकल का इस्तेमाल फसलों में कैसे करें, कूकल का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है, कूकल की खुराक प्रति एकड़ क्या है, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कूकल क्या है? कूकल विज्ञान और नए परिवर्तन द्वारा संचालित प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेंट है। ये MSA तकनीक के साथ अपनी तरह का भारत और अन्य देशों में पहला दानेदार फार्मुलेशन के साथ तैयार किया गया है, यानी ये उत्पाद इको फ्रेंडली है। इसका मतलब ये होता है कि कूकल से पर्यावरण, मिट्टी और मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये SRET तकनीक पर आधारित है। ये मिट्टी के अनुकूलन में सहायक होता है, यानी कूकल मिट्टी के विघटन में सहायक है, जिसे डीकम्पोजिशन कहा जाता है। कूकल मिट्टी की संरचना में सुधार करके उसे उपजाऊ बनाता है, जिससे एक बेहतरीन फसल का निर्माण होता है। कूकल को दानेदार जैविक खाद, दानेदार कीटनाशकों और अन्य दानेदार कृषि रसायनों के साथ मिलाया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं कूकल के क्या क्या फायदे हैं। कूकल मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अवशोषण में सहायक होता है। साथ ही साथ कैल्शियम, बोरान, जिंक, फेरस, मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के वाहक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे फसलों में उत्पादन ज़्यादा होता है। कूकल के इस्तेमाल से अजैविक तनाव जैसे कम या अधिक तापमान, कम या आवश्यकता से अधिक पानी का होना, उच्च लवणता और रासायनिक तनाव जैसे उर्वरकों और कीटनाशकों के भारी इस्तेमाल से उत्पन्न तनाव दोनों के विरुद्ध रक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यानी कूकल किसी भी दशा में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। कूकल एक बैरियर का काम करते हुए फसलों में धातु जमा होने से बचाता है, जो कि मानवीय उपयोग के लिए सुरक्षित है। कूकल कोशिकाओं की दीवारों को कठोरता देने के लिए पत्तियों के भीतर खुद को बायोजेनिक सिलिका परत के रूप में निश्चित करता है। सिलिकॉन पौधों के लिए एक गैर आवश्यक तत्व है और बायोटा में सिलिसिक एसिड के रूप में उपलब्ध होता है। पौधों में सिलिका का मौजूद होने से पौधों की शक्ति सामान्य सुधार और तनाव से मुक्त करता है, इसलिए पौधे अपने ऊतकों में सिलिकॉन जमा करते हैं। इसी के कारण पौधों की पत्तियां किनारे से कठोर, धारीदार और कांटेनुमा होती हैं। कूकल के इस्तेमाल से फसलों में तनाव घट जाता है, जिसकी वजह से पौधों की बढ़वार और विकास बहुत अच्छा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेजी से होती है, जिससे पौधे पत्तियों की सहायता से अपनी खुराक ज़्यादा बनाते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ व पौधों में हरापन बना रहता है। अंततः उत्पादन में वृद्धि होती है। कूकल के इस्तेमाल से जमीन के अंदर आगतिशील पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पौधे पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता अच्छी बनी रहती है। कूकल एक ऐसा उत्पाद है जो पौधों में सफ़ेद जड़ों का विकास व जड़ क्षेत्र को अच्छी तरीके से फैलाने का काम करता है। कूकल फसलों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। आइए बात कर लेते हैं कूकल की उपयोग की खुराक क्या है। कूकल की खुराक 5 किलो प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कूकल के उपयोग की विधि क्या है। कूकल को सीधे मिट्टी में छिड़का जाता है। इसके साथ साथ अकार्बनिक इनऑर्गेनिक उर्वरकों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग भी किया जा सकता है। इससे उर्वरकों की ज़्यादा लागत घट जाती है। आइए बात कर लेते हैं कूकल के उपयोग का सही समय क्या है। कूकल का उपयोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों और दानेदार कीटनाशकों के साथ बुवाई से पहले या बुवाई के बाद उपयोग किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं कूकल का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। कूकल का इस्तेमाल लगभग सारी फसलों में किया जा सकता है, जैसे अनाज वर्गीय, सब्जी वर्गीय, दलहनी वर्गीय और फल वर्गीय फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं कूकल की पैकिंग साइज़ क्या है। कूकल की पैकिंग साइज
साइज 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। आइए बात कर लेते हैं कुकल का एक एकड़ का खर्च लगभग कितना आता है। कुकल का एक एकड़ का खर्च लगभग 550 रुपये आता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद। Thank you.